आपसे मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूं जी हो सकता है आपको अच्छा भी बेना लगे लोग ये कहते हैं कि एक आपके अंदर ईगो बहुत भरी हुई है अच्छा सेकंड यू आर एन इनसिक्योर मैन अच्छा जी और आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में आप उसको बदल देते हो अच्छा जी ये कौन लोग हैं जो कहते हैं इनका कोई नाम नहीं तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपका बताता है कि जितने अच्छे लोग थे आपने सब बदल दिए अच्छा जी तो ऐसा क्यों है सर मुझे लगता है कि पहली बात तो मैंने आज तक कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई मुझे जो अच्छा लगा ना मैं उल्टा लेके आया हूँ उनको तो मैं आपको बड़े अच्छे वाले सोर्स से बताऊंगा जहां से मैंने ये शो शुरू किया वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे सो मुझे जो भी अच्छा लगा मैं लेके आया हूँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जितने भी टीवी शोज आते हैं या कुछ भी ये होता है कि नया सीजन आया नई कास्टिंग होती है यू नो नए एक्सपेरिमेंट होते हैं पर जब आपकी चीज़ कोई चल रही है अच्छी चल रही है तो आपके बारे में खबरें ज़्यादा आती हैं ईगोस्टिक बोलते हैं मैं शॉर्ट टेम्पर बहुत था पहले जो मैंने उस पर काम भी किया है थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे लगा कि पहले एक कोई गाली देता था मैं दस दे के आता था उसको तो वो शायद हमारे ब्लड में ही है हम लोग हैं ही उस जगह से आते हैं हम कि प्यार भी दबा के एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं आप कि मोहब्बत किसी पे आती है तो दबा के आती है गुस्सा आता है तो दबा के आता है इमोशनल हो जाते हैं तो वो भी दबा के हो जाते हैं सो हाँ ईगोस्टिकस्टिक मुझे पता नहीं है सर इनसिक्योर uh, मैं कभी रहा नहीं हूं क्योंकि कभी uh, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी उसके साथ राइवलरी मेरी उसके साथ मेरी कभी हुई नहीं वुड भगवान ने आम वन एंड ओनली तो इसको आप इगोस्टिक कह लें इसको आप ये कह लें कि uh, पता नहीं सर नहीं देखो आप पर स... ये ट्रैक कहाँ से नहीं आते नहीं हैं आपके पास कौन बोलता है भाई आपका सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ हाँ फिर आपने जो बुआ बनती थी उपासना सिंह वो भी निकल गई अली असगर जिसका नाम लिया वो भी निकल गए सुगंधा मिश्रा भी निकल गई भारती सिंह जी चंदन प्रभाकर कृष्णा अभिषेक जी सिद्धार्थ सागर पर ये के आप, साथ आप टिक के काम क्यों नहीं कर पाते इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं कर पाते मैं तो अपनी जगह पे ही हूं आप देखिए अगर आप आपने बात की सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हुआ ठीक है वो एक बात ठीक है उसके बाद आप कह रहे हैं भारती सिंह तो भारती सिंह आप कभी कभी अगर इंस्टाग्राम पे देखे तो हम लोग लो रोज साथ में साथ बैठे हुआ क्या वो ज्यादा पैसे मांग रही थी या नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं 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 कोई बड़ा रोल नहीं मांग रही थी उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया वो अपना काम कर रही है वो बहुत बिजी है तो ऐसा नहीं है कि सब जो लोग गए हैं वो सब लड़के गए हैं उपासना जी बहुत अच्छा काम करनी फिल्मों में आज मेरी अभी थोड़े दिन पहले उनसे बात हो रही थी कृष्णा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो ये सारा जो रिकॉर्ड है उसमें अगर एक लड़ाई वाला कोई न्यूज़ आया तो सबको उस कैटेगरी में ले लिया जाए वो भी गलत है ना सर

और ना ही कभी इस चीज़ की टेंशन रही है पर हाँ जब आप अपना शो प्रोड्यूस करते हो ना सर दस चीज़ें होती हैं आपके साथ हैंडल करने वाली अब मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से मुक्ति पा चुका हूँ मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूँ तो मेरा चैनल के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है और आप करिए और अगर चैनल के साथ किसी की बैठती है ठीक है जैसे कृष्णा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे जेनवन रीजन नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या इश्यू था या क्या नहीं पर हमारी हमारा बड़ा प्यार है हम लोग मिलते भी हैं बात भी करते हैं पर हाँ मैं ज़्यादा पूछूंगा भी नहीं क्योंकि मेरा भी नहीं बनता है अगर मैं अगर कोई आर्टिस्ट ज़्यादा पैसे मांग रहा है कम पैसे मांग रहा है मैं कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं बोल सकता हूँ कि तू पैसे कम कर क्योंकि मेरा मतलब नहीं बनता ना मेरे को अगर जो अच्छा लगता है अपने लिए मैं मांगूंगा अगर चैनल को सूट करता है मुझे दे नहीं करता तो मत दे तो ऐसे ही मैं किसी को कभी नहीं बोल सकता हूँ सो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ सर तो हाँ मतलब ये जो खबरें आती हैं कि मैं मैंने निकाल दिया ऐसा नहीं होता है सर जैसे मेरा शो है न्यूज चैनल पे ब्लैक एंड व्हाइट आप अपने शो की बहुत प्रमोशन करते हो अपनी प्रमोशन करते हो अपने शो में मैं भी कर लेता हूँ अच्छी बात है क्यों है? नहीं करते जैसे आप <laughs> करते हो <हूं? laughs> हमारे ऊपर टीआरपी का बड़ा प्रेशर रहता है हुँ. हर हफ्ते टीआरपी आती है आपके ऊपर भी टीआरपी का प्रेशर रहता है सर मतलब होता है चैलेंज तो टी हर थर्सडे को टीआरपी आर पी आ गई नहीं देखता हूँ सर क्योंकि टीआरपी के बारे में अगर को बोलेगा तो चैनल ही बोलेगा सो so, मेरे को जो मेरे चैनल में अभी लोग हैं हमारे जो चैनल हेड हैं मेरा बड़ा पुराना उनके साथ रिलेशन है एनपी सर है मिस्टर दानिश खान है तो कभी उन्होंने मुझे नहीं पूछा कि मतलब और एक्चुअली पहले पहले होता था मैं भी उस ग्रुप में था मुझे भी रेटिंग आती थी पर अभी ऐसा हो गया ना सर सिनेरियो बहुत चेंज हो गया चेंज हो गया अभी शो शायद एक जगह पे आता भी नहीं है मतलब टीवी पे तो चल ही रहा है साथ में वो सोनी लिव पे चल रहा है ऐप पे चल रहा है फिर वो अलग अलग ऐप्स पे और भी लाइसेंसिंग होती है और आजकल लोगों को वो भी नहीं है कि मैं साढ़े नौ बजे में बैठूं वेट करूं मतलब होते हैं लोग वो भी जो जिनका एक फिक्स रूटीन है कि वो सुबह नौ से पाँच की जॉब करते हैं फिर आया और बैठे और फिर रात को साढ़े नौ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समय के हिसाब से देखना चाहते हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं तो अभी बड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है हम लोग थोड़ा जो ट्रांसफरेश ट्रांसफॉर्मेशन वाले युग में है जैसे पहले हुआ था ना कि जब 90s में 80s में नया नया टीवी आया था टीवी के एकदम से बाद में कलर टीवी आ गया पीछे पीछे केबल टीवी आ गया केबल टीवी के पीछे इंटरनेट आ गया इंस्टाग्राम आ गया दड़ा धड़ा धड़ा दड़ चीज़ें हुई हैं सो अभी भी मुझे लग रहा है कि और पाँच साल बाद शायद सिनारी बड़ा चेंज हो जाएगा एक्चुअली कोविड में ही इतना कुछ हो गया ओ एकदम से जो शायद पाँच साल में बढ़ना था वो शायद दो साल में हो गया सो मैं प्रेशर वेशर तो कभी सर मुझे दिया नहीं एक्चुअली चैनल ने